हम लोग यही सुनते सुनते बड़ा हुआ, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड चापेर काछे माथा नतो करे कांग्रेस सरकार बजेट तैयार बिरुद्धाचारण करे सीपीआईएम के भोट दिन, वर्ल्ड बैंक निर्देशावली मेने निये भारत श्रम नीति शिल्प नीति परिचालना करबार जन्नो कांग्रेस बिरुद्धे सीपीआईएम के भोट दिन। कांग्रेस का स्लोगन न जात पर न पात पर मोहर लगाइए हाथ पर, और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हाथ पर मोहर लगाने के बाद हावड़ा की केंदुआ गांव में एक छोटा सा गांव उस पे कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ काट लिया था सीपीआईएम। खुलेआम कांग्रेस का जितना कार्यकर्ता था वो बोल रहे थे जो सीपीआईएम हमारा 50,000 कांग्रेस कर्मियों को खून कर दिया, मर्डर कर दिया। और साथ साथ सीपीएम का कहना था जब पिछले दिनों में 10,000 सीपीआईएम कार्यकर्ता कैडर का बलिदान हो गया कांग्रेस का कारण, आप पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने में चले जाइए छोटा छोटा आपको शहीद वेदी मिलेगा और उसका नीचे में लिखा हुआ है कॉमरेड अमर रहे, खून कौन किया, कांग्रेस की गुंडाओं ने इसको मार दिया, सलाना एक बार उसका सामने खड़ा होकर रेड सैल्यूट देता। जो जिंदगी भर कांग्रेस का आर्थिक नीति का आलोचना किया, आज खाड़गे जी का सामने मैं वही बोलना चाहता हूं ये क्या हुआ क्या, किसका साथ आप लोग समझौता करके भाजपा का विरोध कर रहे हैं। जो लोग को भी भारतवर्ष को 28 टुकड़ों में बांटकर ब्रिटिश को स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव दिया था, आज हवा की साथ साथ घटा की संग संग ओ साथी चल, एक साथ में आप लोग चले गए। आप लोग किसका बारे में बात कर रहे हैं? अरे तृणमूल कांग्रेस का जन्म किस लिए हुआ? तृणमूल कांग्रेस तो खुलेआम ममता जी बोलते थे जे कांग्रेस वर्किंग एज अ बी टीम ऑफ सीपीआईएम। आज पश्चिम बंगाल की सत्ता में सीपीआईएम है, कांग्रेस इसको रख दिया इन ए क्लैंडेस्टाइन मैनर, उसी का कारण तृणमूल का जन्म हुआ। तृणमूल कांग्रेस को 8 साल लगा ये समझने के लिए जे भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है। आप लोग पहले समझ गए आ रहे मैं सर, आई वुड जय संविधान, आपका साथ है मैं, जय संविधान। खागड़े जी आपका पास तो मेरा एक ही निवेदन है, हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं आपका पास। देखिए भारतीय जनता पार्टी का 200 कार्यकर्ता कब मौत हो गया 2016 से आज तक, पिछले चुनाव में से लेकर अभी तक ना कार्यकर्ता मारे गए, उसमें 80% SC ST कम्युनिटी का है, माइनॉरिटी का है। क्या आपने एक बार भी ट्वीट किया? खड़गे जी हमारा बात तो छोड़ दीजिए, अरे आपका पार्टी का कार्यकर्ता पिछले पंचायत चुनाव में 10 कार्यकर्ता का मौत हो गया, इसका स्टेटमेंट किया ओपन अधीर रंजन चौधरी ने, एक भी ट्वीट किया आपने? कोई कांग्रेस काला नेता एक भी ट्वीट किया ये निधन था? वो अधीर रंजन चौधरी का बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अधीर रंजन चौधरी विपरीत स्थिति में कांग्रेस को चिता कर लाए थे, सिर्फ अपने आप को नहीं। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का चुनाव का मैनेजर होता भट्टाचार्य प्रणब मुखर्जी जी, एक मिनट सर, अधीर रंजन चौधरी इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस,